Hello students, with a new chapter we have begun already from the previous week, but let me count the names of the student. Gurleen, I'm talking about A2 section. Gurleen, Yamini, Vedangi, Sakshi, Abit Kajal, and Manisha. If one or two names maybe I can forget, but girls only from A2 are answering in the Google Classroom, which I appreciate a lot, because बच्चों जो answers दे रहे होंगे वो वीडियो ज़रूर वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि बिना वीडियो, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं पुट ऑन कर रही हूँ बच्चों वो उस पर्टिकुलर वीडियो के ही ड्यूरेशन में है जो मैं पढ़ा रही हूँ, द डे आई एम टीचिंग. तो वही बच्चा उसको आंसर कर सकता है जो उसको वॉच आउट कर रहा है, क्लियर. और अगर मैं B1 की बात करूं तो मुझे एक आधा कमेंट, प्रतिभा आई नेम्ड मिस देयर, प्रतिभा आल्सो इन A2. अगर मैं B1 की बात करूं सेक्शन की, तो सौम्या वर्मा रेगुलर कमेंटर हैं, रितु इज़ देयर, देन समवेयर अंजलि इज़ देयर, एंड अबिट अंशु इज़ देयर. लाइक ये स्टूडेंट्स जो रेगुलर कमेंट करते हैं, लेकिन लिमिटेड हैं. हार्डली मैं 10 भी काउंट नहीं कर सकती फिंगर में जो बच्चे मुझे कमेंट करते हैं या जो बच्चे आंसर करते हैं. तो इट्स नॉट अ गुड हैबिट ऑफ योर्स. जो बच्चे कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट देम. वो अपनी तैयारी कर रहे हैं समझदारी से, एक साथ सारा बर्डन नहीं पड़ने वाला उन पर. लेकिन जो नहीं कर रहे हैं दे विल बी इन ग्रेट लॉस, एंड आई एम डैम श्योर, बिकॉज ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश और PHE की ही वजह से 90 में कन्वर्ट होने से रह गए थे इस साल भी. बल्कि अगर आपने रिजल्ट उठा के देखा हो क्लास 12th का, क्योंकि बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं सब्जेक्ट को. और जहाँ तक मैं ऑनलाइन इन क्लासेस की बात करूँ, स्कूल में तो हम आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने पास बैठा के ज़बरदस्ती पढ़ाते थे जो भी हम पढ़ा रहे हैं, और आप सुनते भी थे. लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम आपके साथ कुछ फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि आप क्लासरूम में नहीं हैं. लेकिन जो बच्चा समझ रहा होगा, उसकी वैल्यू समझ रहा होगा, मार्क्स की वैल्यू समझ रहा होगा, कुछ उसको करना है लाइफ में, कुछ लाने हैं मार्क्स, तो वो ज़रूर देखेगा वीडियो. उसको कहने की ज़रूरत नहीं है या उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि तू भाई बैठ और पढ़. इट्स नॉट दैट, वो खुद करता है, बच्चा खुद पढ़ता है अगर उसे ज़रूरत होती है या अगर उसे ऐसा महसूस हो रहा होगा कि उसे पढ़ना है. तो विद दिस होप स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो और पढ़ना भी चाहिए, क्लियर. चलिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैं पढ़ाना कंटिन्यू करती हूँ. बेसिकली वीडियोज़ में उन्हीं बच्चों के लिए सेंड करती हूँ जो पढ़ रहे हैं. जो नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कभी देखना भी है तो उन्होंने मुझे सुनना भी नहीं है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. अपना नुकसान वो खुद करेंगे जब भी करेंगे या जब भी देखेंगे, दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, क्लियर. चलिए, कल हमने ये वाला जो पेज है ये स्टार्ट कर दिया था. इसके कुछ पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, वो हमने वाइंड अप किए थे. हम यहीं से शुरू करेंगे, पेज नंबर 71, और पैराग्राफ देख लीजिए आप स्टार्ट में. आई थिंक जहाँ तक मैंने पढ़ा था कल, oh don't worry about that, I will be sending you all the forms and stuff, what's his name, you say Evans. यहाँ तक होप्सो हमने कर लिया था. और फिर उसके बाद नेम बताया था, एक प्रॉपर नेम बताया था गवर्नर ने, दैट इज़ जेम्स रॉड्रिक इवेंस, ये पूरा नाम है. और मैंने आपसे कल कहा भी था इसको पूरा आप अंडरलाइन कीजिए. अब इसके आगे चलते हैं. इसके आगे क्या है, फिंगर्स ऑन लाइन स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू. जस्ट वन थिंग गवर्नर, सिर्फ एक बात गवर्नर. कौन कह रहा है, सेक्रेटरी. सेक्रेटरी जो बोर्ड एग्जामिनेशन का सेक्रेटरी है और गवर्नर है, लेट मी रिमाइंड यू, उन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, उन दोनों की बात चल रही है. तो जस्ट वन थिंग गवर्नर, ही इज नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो, इज ही. अब एक क्रिमिनल, अब एक कोई एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल एग्जाम कंडक्ट, क्रिमिनल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सवाल तो उठता ही है कि कहीं वो कोई वायलेंट टाइप का फेलो तो नहीं है. उसे पता चले किसी का मर्डर कर दे या किसी को हिट कर दे कहीं, मतलब ऐसा वाला तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा थोड़े यू नो खिसके हुए होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा विलिंग होते हैं किसी को भी मार देना, कुछ कर देना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा तो नहीं है कहीं. देन नो, देर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस. ना ना ना, कोई टेंशन मत लो, ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसके साथ. फेलो इज ही, आई डोंट वॉन्ट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट. बट जैसे ये भी पूछना गलत है ना, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछना गलत है. एक तो बेचारा स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है, अब आप उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड खोलने बैठे हो, और हर किसी को क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं बताया जाता है थ्रू द जेलर्स. तो खुद एक्सपेक्ट बोलता है कि मैं क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है. तो सिंपली जो गवर्नर है आंसर देता है, नो देर इज़ नो रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है.
ऑफ वायलेंस, क्वाइट अ प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ चैप, चैप मीन्स फेलो, शांत रहने वाला फेलो है. दे टेल मी, दे मतलब वो लोग जो उसके आसपास रहते हैं, गवर्नर तो नहीं रहता ना उसके सेल के पास, लेकिन दे मतलब दे यहाँ पे वो लोग हो सकते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, जैसे जैक्सन हो गया, स्टेफन हो गया, या और जो छोटे जो सिपाही हैं जो उसके आसपास रहते हैं, छोटे जो सोल्जर्स हैं जो उसको गार्ड करते हैं, उसके उसको सिक्योर एज अ सिक्योरिटी वर्कआउट करते हैं, वो बताते हैं, या जो उसको खाना देने जाता होगा या वट्स एवर, वो बताते हैं कि वो एक शांत इंसान है. ठीक है ना. बिट ऑफ अ कार्ड रियली, एक कार्ड की तरह है. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सटायरिकल टोन भी चल रहा है. बिट अ कार्ड, वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्ट. अब थोड़ी और तारीफ कर देते हैं. जैसे क्रिसमस का स्टार होता है ना, क्रिसमस ईव, क्रिश्चियंस का क्रिसमस ईव होता है, उसमें जो स्टार होते हैं, क्रिसमस ट्री में स्टार्स भी लगाते हैं ना, चमकते रहते हैं जो, तो यहाँ पे गवर्नर इवेंट्स को कंपेयर कर रहा है उस क्रिसमस स्टार से. छोटा सा एक क्रिसमस स्टार है. क्रिसमस कंसर्ट, कंसर्ट मतलब कि मीटिंग या क्रिसमस फेस्टिवल में जो क्रिसमस स्टार होता है, थोड़ा बहुत उसकी तरह है. मतलब शांत है, बस चमकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा शैतानी नहीं करता है. इमिटेशंस, यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग, इमिटेशंस नकल वकल करता है, और सॉर्ट ऑफ थिंग थोड़ा बहुत ही, मतलब इसी में ही वो मतलब फंसा हुआ है, या इसी में ही यही सब कुछ करता है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता है. माइक यारवुड स्टफ, और माइक यारवुड एक कैरेक्टर है. ठीक है ना, एक जैसे हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन है जिनको कोरोना हो गया आजकल, इसी तरह से माइक यारवुड एक स्टफ है. स्टफ मतलब की तरह, या उनके जैसा करने वाला, उनके जैसा काम करने वाला. जैसे कहते हैं ना, अरे ये तो अमिताभ बच्चन है, या जैसे सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ी हस्ती है क्रिकेट में, तो जैसे किसी के बारे में कुछ बताना हो बहुत बड़ा, तो कहेंगे अरे ये तो सचिन तेंदुलकर है, ऐसे वैसे नहीं है, सचिन तेंदुलकर की तरह है क्रिकेट में, ऐसे ही इस काम में ये है. मतलब जैसे अगर उनकी तारीफ करनी हो तो, ठीक है ना, जैसे हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हैं, कोई बड़ा हेल्पफुल होता है तो अरे ये तो इनके हनुमान जी हैं, सारा काम करके देते हैं ना, कहीं से कहीं तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं करते. तो उसी तरह से यहाँ पे गवर्नर है उसको माइक यारवुड. अब हनुमान जी और अमिताभ जी इंडिया के एग्जाम्पल्स हैं, माइक यारवुड बाहर का एग्जाम्पल है, उनके फ्रेंच का, उनके यहाँ की अवेलेबिलिटी का. तो ये उसकी तरह का स्टफ है, मतलब जैसे माइक यारवुड है तो वैसा ही स्टफ है, उसी तरह का कैरेक्टर है ये भी, इवेंट्स भी. ऐसा गवर्नर बताते हैं वहां के सेक्रेटरी को. ठीक है, माइक यारवुड स्टाफ, ही जस्ट अ कॉग्निशियल क्लैप्टोमैनियक. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशियल क्लैप्टोमैनियक. ये डिजीज है जिससे इवेंट्स जो है वो सफर कर रहा है. अब ये डिजीज क्या होती है, अब इस डिजीज को समझना जरूरी है. स्टूडेंट्स मेरे पीछे आप ये कर्टेन देख रहे हैं, किस कलर का है, ये जो मैंने साड़ी पहनी है ये किस कलर की पहनी है, रेड, मैरून, अ बिट पिंक. ठीक है, अब नॉर्मली हम लोगों को तो वही कलर लग रहा है जो है, ये मैंने शायद कभी क्लास में भी डिस्कस किया हुआ, लेकिन अब जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिस किसी के अंदर, अगर उसे ऐसा महसूस होता है कि जो पीछे जो कलर है वो येल्लो है, कर्टेन का कलर येल्लो है, या मेरी साड़ी का कलर जो है वो येल्लो है, तो आप उसे मना नहीं सकते कि ये रेड है. अगर वो येल्लो है तो उसकी हाँ में हाँ मिलेगी, येल्लो है. कभी कभी तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल होती है कि पेशेंट वॉलेंट हो जाता है, कि सामने वाला मेरी बात नहीं मारा है तो उसको ख़त्म भी कर देता है. तो ये भी कुछ इसी तरह का है, वॉलेंट इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे कॉग्निशियल क्लैप्टोमैनिया एक वो डिजीज़ है जिसमें वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान वो काम करता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी आदत से मजबूर होता है और कर देता है. जैसे झूठ बोलना, चोरी करना. जैसे कोई चोरी करता है तो वो क्यों करता है, उसको नीड होती है, वो वैसे नहीं कमा सकता तो वो ऐसे चोरी करता है अपनी फैमिली रन करने के लिए. लेकिन ये तो एक नॉर्मल आदत है, लेकिन अब तुम्हें कुछ करना ही मतलब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन तब भी तुम चोरी कर रहे हो, तो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है. स्टूडेंट्स अगर कोचमैन अली याद हो आपको, तो क्लास 10th में पढ़ा था, अगर याद हो तो कोचमैन अली, तो कोचमैन अली की क्या आदत होती थी, जब वो यंग एज में था तो हंटिंग करता था. पहले तो नीड के लिए करता था, उसके बाद एक दिन उसका ऐसा नहीं जाता तो उसके लिए वो गेम बन गया था, बिना हंटिंग के वो रह नहीं पाता, तो वो भी थोड़ा बहुत क्लैप्टोमैनिया की था. वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो थोड़ा बहुत क्लैप्टोमैनिया है. तो यहाँ पे ये चोरी करता है, छोटी मोटी चोरी करता है, और चोरी करके वापस जेल में जाता है, जेल से बाहर आने की प्लानिंग करता है, भाई यही इसके काम है. दिस इज इज वर्क एंड दिस ही वॉन्टेड टू डू ऑल द टाइम, और यही वो करना चाहता है हमेशा. ठीक है, तो एक थोड़ा सा क्लैप्टोमैनिया है, दैट्स ऑल, बस इतना ही प्रॉब्लम है. एंड द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू ऐड समथिंग एल्स, वो कुछ और ऐड करने की कोशिश करता है गवर्नर, बट ही थॉट बेटर ऑफ इट. लेकिन वो सोचता है छोड़ो, कहीं बाहर थोड़ा ले जाना, एग्जाम दिलाने, हम ही हैंडल करना, हम कर लेंगे इसको यहीं.
ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ. दैट यहाँ पे इटैलिक करके लिखा हुआ है. दैट मतलब उसके वो भागने का जो ट्रेंड है या और जो उसके अंदर बुराइयाँ हैं, वो जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उसके अंदर, वो हम खुद ही हैंडल कर लेंगे क्योंकि एग्जाम का कंडक्ट होना है, यही होना है. तो इनको बताने इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो दैट इज़ वाई वो बस इतना ही बताता है और यहाँ पे आके वो रुक जाता है. और यहाँ पे आके हमें अपना वीडियो भी रोकना होगा क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस हो गई है. होप सो आपको ये पैराग्राफ समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट है. विश विल कंटिन्यू टुमारो. स्टे सेफ, स्टे होम. बाय बाय.